नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस स्टेट की जो जीके होती है उसके लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है सिम्बल्स की, जो कि जैसे स्टेट फ्लावर कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है, और ये हर स्टेट पीसीएस में आती है, इवन एसएससी में और बाकी जितने भी एग्जाम हैं। तो जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये सबके लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। और आप अपना यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है यहाँ पे। वैसे तो ये विकिपीडिया की लिस्ट है, लेकिन काफ़ी मैं यूपी के लिए जीके बना रहा था तो ये मुझे मिली और मुझे लगा शेयर करनी चाहिए, सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट करें यहाँ से, आंध्र प्रदेश में जैसे स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड है इसमें रोज रिंग पैराकिट, और ये देखिए यहाँ पे फोटो वोटो भी बनी हुई है सबकी, ठीक है। स्टेट फ्लावर है जैस्मिन, स्टेट ट्री है नीम, ठीक है। और इसमें एक सॉन्ग भी है माँ तेलुगु तली की। फिर अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे, स्टेट एनिमल है मिथुन और स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जरूर याद रखिएगा। स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्किड और स्टेट ट्री है होलोंग, ठीक है। असम का भी स्टेट ट्री है। नेक्स्ट है इसमें असम का जो स्टेट आपका एनिमल है इंडियन राइनोसर्स। फोटो वोटो सब बनी हुई है, बिल्कुल बहुत अच्छी लिस्ट लगी मुझे ये वाली। और मेरे हिसाब से मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने बिहार का चेक किया, यूपी का चेक किया और कुछ और चेक किया, तो मुझे ठीक लगी ये लिस्ट पूरी लगभग। आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा, लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। स्टेट बर्ड अगर आप देखेंगे तो वाइट विंग डक, स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्किड, स्टेट ट्री है होलोंग, ठीक है। और स्टेट एंथम भी एक असम का, ओमुर अपुनार देश। तो जो भी असम के लोग हैं जरूर देखिए। बिहार बीपीएससी आने वाला है, लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, 1400 थी 40 और आज बढ़ गई, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। स्टेट एनिमल है गौर, स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो। एक्चुअली बिहार में एक स्पैरो डे भी मनाते हैं, पता है 20 मार्च को मनाते हैं बिहार में स्पैरो डे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार की जीके हम लोग पूरा कवर करेंगे, उसमें करवाएंगे। स्टेट फ्लावर है कचनार, ठीक है ये है। और स्टेट ट्री है आपका, स्टेट ट्री है पीपल वाला ट्री है जो वो है स्टेट ट्री। और ये स्टेट आपने देखा होगा, ये कई बार बिहार के जो जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें ये लिखा रहता है, ये सील है ये बिहार की, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ का देखें, स्टेट एनिमल है वाइल्ड बफेलो, स्टेट बर्ड है हिल मैना, ठीक है। सबकी फ़ोटो वोटो दी हुई, बहुत अच्छा लगा ये, मतलब नेट पर सब कुछ पड़ा हुआ है, बस खोजना होता है आपको, ठीक है। स्टेट फ्लावर अगर आप देखें तो ये है स्टेट ट्री है साल। गोवा में जो लोग तैयारी कर रहे हैं गोवा में, अगर स्टेट एनिमल है गौर, ठीक है। स्टेट बर्ड है आपका ये येलो बुलबुल, और स्टेट फिश है ग्रे मुलेट, और स्टेट ट्री है कोकोनट पाम। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये कौन सा, गुजरात में स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन, ठीक है। वैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे, अगर कई लायन अभी भी बचे हुए हैं तो यहीं पर हैं। और उसके बाद स्टेट बर्ड है आपका ग्रेटर फ्लेमिंगो, ठीक है। और स्टेट फ्लावर में है मैरीगोल्ड। अच्छा ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो लायन है, वो पहली बात उनकी जनसंख्या किस देश में है और इंडिया में किस स्टेट में है। ये बिहार की स्टेट सील है, ठीक है, ये गुजरात सरकार ऐसे लिखा हुआ है। और इसके स्टेट सॉन्ग भी है जय जय गवरी गरावी गुजरात, ठीक है। स्टेट फिर हरियाणा की जो HCS की तैयारी कर रहे हैं, अब देखिए जिस भी स्टेट PCS की आप तैयारी करते हैं, नॉर्मल जो GS करंट अफेयर होता है वो कोर्स तो सेम रहता है, लेकिन आपको उस स्टेट की GK जरूर पढ़नी होती है, उस स्टेट का जनरल नॉलेज, उस स्टेट की हिस्ट्री क्या है, उस स्टेट की ज्योग्राफी क्या है, उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, वहाँ पे बाई कैमरा सिस्टम है कि नहीं है, वहाँ की जो नॉर्मल लोकल इवेंट हो रही है वो सब चीज़ें, वहाँ का स्टेट सिंबल क्या है, ये सब चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। हर स्टेट के PCS की तैयारी का GS प्लस करंट अफेयर सेम है, बाकी सब चीज़ें रटनी पड़ेंगी। जैसे हरियाणा का देख लीजिए, ब्लैक बक है स्टेट एनिमल, और ब्लैक फ्रैकोलिन है ये स्टेट बर्ड, फ्लावर है लोटस और स्टेट ट्री है पीपल। तो जो भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं अपना देखिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आप स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश वाला जो सिविल सर्विसेज होता है उसके लिए ज़रूरी है ये। स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रैकोपन, और आपका स्टेट फ्लावर है रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। स्टेट ट्री है देवदार सेवदार, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर का अगर आप देखें, स्टेट एनिमल कौन सा है, हेंगुल है ये, और स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन। स्टेट लोट आपका फ्लावर है लोटस, स्टेट ट्री है चिनार ट्री, स्टेट फ्लैग है ये वाला, ठीक है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सब हिसाब किताब वहाँ पे अलग चलता है, कोई यहाँ का वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है, 370 वाला आर्टिकल से वो पूरा डायरेक्ट करते हैं, वो सब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। झारखंड का जो स्टेट एनिमल है एशियन एलिफेंट है, स्टेट बर्ड है एशियन कोयल, और स्टेट फ्लावर है पलाश, स्टेट ट्री है साल। तो इसमें देखिए करिए ये आप कि या तो अगर आप जैसे PCS की तैयारी कर रहे हैं, आपने झारखंड भी भर दिया है, बिहार भी भर दिया है, यूपी भी भर दिया है, MP PCS भी भर दिया, तो वो वाले जरूर पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। स्टेट PCS की जीके में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कर्नाटक का, आप देख सकते हैं एशियाटिक एशियन एलिफेंट और इंडियन रोलर, और ये जो फ्लावर है लोटस है, ठीक है।
स्टेट ट्री है सैंडलवुड कर्नाटक का, स्टेट फ्लैग दिया हुआ है। और ये अभी जस्ट अभी 2018 में काफ़ी न्यूज़ आ रही थी उन सबसे रिलेटेड है, ये काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है उसका। और फिर उसके बाद है केरला में, जैसे आप देख रहे हैं इस समय बड़ी ट्रेजिडी चल रही है, इंडियन एलिफेंट है। एलिफेंट से ज़्यादा ये बताइए आपकी इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। इंडिया में एलिफेंट के कितने रिजर्व हैं ये आप बताइए, ठीक है। स्टेट बर्ड है यहाँ पे ग्रेट हॉर्नबिल, स्टेट फिश भी है यहाँ पे ग्रीन क्रोमाइट, ठीक है। और ये 2010 में की गई थी अप्रूव। स्टेट फ्लावर भी है कैनिकोना, स्टेट ट्री है कोकोनट ट्री। अच्छा ये बताइए कोकोनट का इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, एग्रीकल्चर का डेटा मैं देने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। कल से लगा हुआ तो तबीयत खराब हो जाती है बार बार, पता नहीं क्यों तबीयत खराब हो जाती है, कौन हमको नज़र लगा देता है बार बार और बार बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे और वो अलग करेंगे सब जो भी हमने वादे किए हैं। तो ये हम लोग देख रहे थे यहाँ तक हो गया था, एमपी तक, हिमाचल प्रदेश हो गया था, ठीक है। एमपी में आ गए थे हम लोग मध्य प्रदेश में। जैसे मध्य प्रदेश का अगर आप देखें, मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है, बारहसिंघा। स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, देखिए इसकी ये पिक विक भी दी हुई है बहुत अच्छे से। स्टेट ट्री है बरियान ट्री, स्टेट फिश है महासीर। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एमपीपीसीएस के लिए, जीके के लिए ये पूछा गया है कई बार। मैंने एमपीपीसीएस के कई सारे पेपर की एनालिसिस की, ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। स्टेट फ्लावर है मेडोना लिली, ठीक है। महाराष्ट्र के जो एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एनिमल है इंडियन जायंट स्क्वायरल है, स्टेट बर्ड है आपका येलो फुटेड ग्रीन पिजन है, प्राइड ऑफ इंडिया ये आपका है, स्टेट फ्लावर है, ठीक है। और फिर स्टेट ट्री है मैंगो, स्टेट बटरफ्लाई है ब्लू मॉर्मोन। मणिपुर का देख सकते हैं, स्टेट एनिमल है संगाई, ठीक है। स्टेट बर्ड है नॉन गीन और स्टेट फ्लावर है सिरोही लिली, स्टेट ट्री है आपका। और फिर मेघालय का देख सकते हैं, स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड, स्टेट बर्ड है हाइल मैना, स्टेट फ्लावर है लेडीज स्लीपर ऑर्किड, ठीक है। मिजोरम का जो लोग तैयारी कर रहे हो उनके लिए देख सकते हैं, तो ये आप अपना पूरा देख लीजिएगा ये वाला, ठीक है। और नागालैंड का जैसे स्टेट एनिमल है मिथुन, स्टेट बर्ड है ब्लिथ स्टेगोपेन और स्टेट ट्री है एल्डर। उड़ीसा ओपीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं, स्टेट एनिमल है क्या, सांबर डियर, ठीक है। स्टेट बर्ड कौन कौन सा है, इंडियन रूलर। स्टेट फ्लावर है अशोका और स्टेट ट्री है आपका इंडियन फिग ट्री। फिर इसमें आप ये वाला जो है अशोका, ये फ्लावर ये देख सकते हैं, इसका ये साइंटिफिक नाम भी दिया हुआ है सरेका अशोका, ठीक है। स्टेट सील है ये उड़ीसा गवर्नमेंट की और इनका एक सॉन्ग भी है बंदे उत्कल जननी। पंजाब की देख सकते हैं, स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, स्टेट बर्ड है बाज और स्टेट ट्री है आपका शीशम का, ये पंजाब गवर्नमेंट की सील है। फिर राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान में एक्चुअली दो स्टेट एनिमल हैं, एक चिंकारा है, ठीक है। और देखिए राजस्थान में दो स्टेट एनिमल हैं, एक है चिंकारा और एक है कैमल, या फिर इसको स्टेट मैमल लिखा हुआ है, ये कैमल ही है, ठीक है। स्टेट बर्ड है इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और स्टेट फ्लावर है रोहिटा, स्टेट ट्री है खेजरी, स्टेट प्लांट है कैक्टस, ठीक है। सिक्किम का देख सकते हैं, स्टेट आपका एनिमल है रेड पांडा, स्टेट बर्ड है ब्लड फीजेंट और स्टेट फ्लावर है यहाँ पर स्टेट ट्री दिया हुआ है, ये फ्लैग है ये सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम ने 1975 में ये अगर आप देखें, देखिए सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि सिक्किम में क्या लोकेटेड है, जो आपका कंचनजंगा वाला है, ठीक है, पीक जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, मतलब इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा है, वो सिक्किम में लोकेटेड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, वो यहीं पे लोकेटेड है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 35% से ज़्यादा तो स्टेट जो है एक कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसी में लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। और प्लस ये वाला जो स्टेट है सिक्किम, एक रेफरेंडम हुआ था 1975 में, उसके बाद फिर इसने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था 22nd स्टेट के रूप में। ये बताइए कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये आया था ऐसे, ठीक है। तमिलनाडु का देख सकते हैं, स्टेट एनिमल है नीलगिरितार, बर्ड है इसका फ्लावर है लिली, ठीक है, ग्लोरिसा लिली। फिर स्टेट फ्रूट है आपका जैक फ्रूट, स्टेट ट्री है पाम ट्री, ये आपकी सील है तमिलनाडु की, ठीक है। स्टेट सॉन्ग भी इसका तमिल थाईवल थू। तेलंगाना का भी देख सकते हैं आप, जिंका हो गया, स्टेट बर्ड है इसमें और स्टेट ट्री भी है ये जामी चेतू, थोड़ा सा नाम इन लोग का अलग रहता है, ठीक है। जय जय हे तेलंगाना ये इसका वो सिंबल है, सॉरी सॉन्ग है ये। त्रिपुरा का देख सकते हैं, त्रिपुरा पीसेस भी होता रहता है क्योंकि उसका स्टेट एनिमल है फेरलीज लीफ मंकी, स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपीरियल पिजन और स्टेट फ्लावर है इंडियन रोज चेस्टनट और आपका स्टेट ट्री है अगरवुड। फिर अपना आ गया यूपी, यूपी में है आपका स्टेट एनिमल आप जानते ही हैं
स्टेट एनिमल कौन सा है, ये है आपका सारस, सॉरी स्टेट एनिमल क्या है, बारहसिंगा, बारहसिंगा मतलब राष्ट्रीय पशु जो है वो बारहसिंगा है, राष्ट्रीय आपका पक्षी है यानी कि स्टेट बर्ड जो है वो है सॉरस, या फिर उसको क्रॉन्च भी बोलते हैं, क्रॉन्च, ठीक है। स्टेट फ्लावर इसका पलाश है, या फिर इसको टेसू भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेट आपका जो सिंबल है, यहाँ पे मैंने बताया था जैसे क्या आपको क्या कर बताया था कल कि एक ये व्रत है, मतलब एक गोला है उसमें दो मछलियाँ बनी हुई हैं, दो मछली ये बनी हुई हैं आसपास, और एक तीर धनुष है, तो ये है स्टेट सिंबल। आपने देखा होगा यूपी पीसीएस के हर सील में तो लगा रहता है यार ये, ठीक है। स्टेट आपका ये वही मछली और वो तीर है, रोहू और वो, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा रोहू यहाँ पे मछली वाली है जो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक राजकीय खेल भी है, स्टेट आपका स्पोर्ट भी है, वो है हॉकी, तो ये आप याद रखिए। उत्तराखंड की वैकेंसी आई आज मैंने देखा, कुछ यूपी जैसे यूपी ट्रिपल एससी होता है ना, वैसे UK SSSC होता है वहाँ पे, उसकी कुछ वैकेंसी आई उसके लिए याद कर लीजिए। स्टेट एनिमल है अल्पाइन मस्क डियर, स्टेट बर्ड है हिमालयन मूनल, स्टेट आपका फ्लावर है ब्रह्मा कमल, और स्टेट ट्री है बुरांस, और सील तो यहाँ पे नहीं दी है। वेस्ट बंगाल का देख सकते हैं, फिशिंग कैट हो गया जो WBPSC का एग्ज़ाम होता है, स्टेट बर्ड वाइट थ्रोट किंगफिशर, नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन है, ठीक है। स्टेट ट्री है चामलिन ट्री, ठीक है। फिर इसमें आप देखिए जो यूनियन टेरिटरीज है उनका दिया हुआ है पूरा, जैसे अंडमान का स्टेट एनिमल कौन है, डुगोंग, या फिर इसको सी काऊ भी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डुगोंग इंडिया में पाई कहाँ जाती है, UPSC में आ चुका है, देख लीजिएगा एक बार। स्टेट बर्ड है इसमें अंडमान वुड पिजन। अच्छा एक बात है कि जैसे अगर नेशनल पार्क आप नंबर वाइज बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, MP में है, वैसे ही सबसे ज़्यादा किस यूनियन टेरिटरी में है, वो अंडमान में है, ये थोड़ी सी बात याद रखिएगा। स्टेट फ्लावर दिया हुआ है, स्टेट ट्री दिया हुआ है अंडमान पटाऊक करके। फिर चंडीगढ़ में अगर आप देखें तो चंडीगढ़ में है आपका स्टेट एनिमल इंडियन ग्रे मॉनगूज है, स्टेट बर्ड है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है। स्टेट फ्लावर है ढाक फ्लावर है, ठीक है। दादरा नगर हवेली में दिया हुआ है, और बाकी नहीं इंपॉर्टेंट, दिल्ली का है जैसे, अच्छा दिल्ली का भी है जैसे स्टेट एनिमल नीलगाय, ठीक है। और इसका स्टेट बर्ड भी है हाउस स्पैरो, ये मुझे भी पता चला अभी, तो ये आप देखिए इसीलिए एक्सप्लोर करते रहने से काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। स्टेट एनिमल है नीलगाय, दिल्ली के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो, ये दोनों जरूर याद रखिएगा, ठीक है। स्टेट फ्लावर है अल्फा अल्फा, स्टेट ट्री है फ्लैम्बोयंट। लक्षद्वीप का भी है बटरफ्लाई फिश है, स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड है नॉटी टर्न, ठीक है। तो ये है कुछ यहाँ पे, पुडुचेरी का भी है, जो लोग पुडुचेरी, अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई मुझे पुडुचेरी वाला देख रहा होगा, ठीक है। तो ये है पूरी लिस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये, इसमें देखिए नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया भी है, ये वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, चलो रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। नेशनल फ्लैग है ये, ठीक है, इसमें 3 ये होता है और 3:2 के रेशियो में होता है ये। यहाँ पे नेवी ब्लू कलर की जो है ये आपका व्हील होता है, 24 स्पोक्स होते हैं, 24 यहाँ पे तीलियाँ हैं ये, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ट्राई कलर होता है वो तो आप जानते हैं, वाइट है मिडिल में इंडियन, ग्रीन जो होता है बॉटम पे होता है, ठीक है। तो ये है, और देखिए जब फ्लैग है ये एक्चुअली एक पिंगली वेंकैया है उनका फ्लैग था, उस पर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेशनल एम्बलम अगर आप देखें तो नेशनल एम्बलम ये है हमारा, ठीक है, ये सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है UPSC में भी और स्टेट पीसीएस में भी, कि कहाँ से अडॉप्ट किया है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो सारनाथ में थी, 26 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था, ये डेट रट लेना बिल्कुल, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली यही रट लेना कि कब इंडिया में जो नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया गया, कब नेशनल सॉन्ग किया गया, नेशनल सॉन्ग इंडिया में सबसे पहले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में आया था, ये रटा होना चाहिए, ठीक है। जो इंडिया का नेशनल आपका एंथम है वो सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था, ये रटा होना चाहिए, ये सब चीज़ें रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। नेशनल कैलेंडर है साका कैलेंडर पे बेस्ड जाइए, ठीक है। 1957 से ये चालू किया गया, और ये सब जैसे नेशनल एंथम है जनगण मन, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ये समय से मैं बता चुका हूँ, 24 जनवरी को ये किया गया था अडॉप्ट, ठीक है। नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम, और ये सबसे पहले गया गया था 1896 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको किया था, ये समझ सकते हैं ये ठीक है। नहीं ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ये ऐसा नहीं है, वैसे मैं ये नेशनल सिंबल वाला बना चुका हूँ वीडियो अलग से, एक इंडियन ईयर बुक की बनाया था, अभी मैं बस ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा। तो वैसे तो अगर आप जानते हैं कि जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको कंपोज किया था संस्कृत में कंपोज किया गया था बंकिम चंद चटर्जी द्वारा, 1896 में पहली बार ये गाया गया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है।
और फिर उसके बाद नेशनल फ्रूट है हमारा मैंगो, नेशनल रिवर है गंगा, नेशनल गेम वैसे तो अगर आप देखें कई जगह हॉकी लिखा हुआ है, एक्चुअली हॉकी हॉकी नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक RTI दाखिल हुई थी और उसमें इंडिया ने बोला था, इन गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई था कि नेशनल गेम कुछ नहीं है हमारा, ठीक है, नेशनल फ्लावर है लोटस, नेशनल ट्री है बनियान ट्री, नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गंगेज रिवर डॉल्फिन, ठीक है, नेशनल बर्ड है पीकॉक। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एक बार देख लीजिए। ये देखिए रुपी का सिंबल है ये, और रुपी का सिंबल ये ऐसे करके पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। 2010 में उदय कुमार की जो डिज़ाइन थी उसके हिसाब से ये अडॉप्ट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रट लीजिएगा इसको। तो ये सब कुछ है यहाँ पे, आप इसमें देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे मैं स्टेट पीसीएस की जीके पे इस समय काफ़ी फोकस कर रहा हूँ, मेन फोकस है हमारा यूपी पीसीएस और बीपीएससी, ठीक है, अभी ये दो फोकस हैं, और प्लस जो आपका हरियाणा पीसीएस वाला है, अगर आप लोग चाहें इन तीनों स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो पेड ग्रुप है स्टेट पीसीएस वाला वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं चला रहा हूँ यूपी पीसीएस का ग्रुप, लेकिन उसमें GS और करंट अफेयर सबका कॉमन है, ठीक है, और बाकी स्टेट की GK चाहिए बस। तो GK के लिए बिहार की तो मैंने अलग से बोल दिया आपको कि पूरा चैनल पे मिलेगा, हिंदी में पूरी GK मिलेगी आपको, ठीक है। यूपी की GK तो मैं खुद कर रहा हूँ, और हरियाणा के लिए भी जल्दी बात चल रही कि हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।